अभी क्या बनाने की तैयारी कर रहे हो? हम लोग आज इफ्तार के लिए कच्ची दाबेली ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी सबा के गाँव में आपका स्वागत है। तो भाभी बताइए, बहुत समय से आप सब लोग पूछ रहे हैं कि हमारी इफ्तार का रूटीन क्या है, तो हमने सोचा कि आज आपसे शेयर करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हम बहुत बेसिक चीज़ें बनाते हैं। एंड आज क्योंकि जुम्मा है तो हम थोड़ा सा कुछ स्पेशल एक ही चीज़ बना रहे हैं। सो आइए। तो ये कच्ची दाबेली की प्रिपरेशन हो रही है? हाँ, ये कच्ची दाबेली की है। यहाँ पे चने जो है वो बॉईल होके रखे हैं चना चाट के लिए। हाँ, और ये दाल भी धुल के रखी हुई है, भिगाई हुई थी। हाँ, बस फटाफट हम कर देंगे। हाँ, साला बना के रखा है मैंने। अच्छा, वो डालना है पाव के अंदर, मतलब इसको अच्छे से सेक, जैसे वो टिकिया बनती है वैसे, या कैसे खाना है? नहीं, क्योंकि ये पूरा ढांचा बन जाएगा। अच्छा, तो इसको ऐसे प्रॉपरली रख के, अच्छा, इसे वो ठेले पे। हाँ, से अच्छा। बस हमारे पास आज सेव नहीं। अच्छा, कोई नहीं, काम चला। क्या है वो? ये मीठी चटनी है जो रमजान में हमेशा घर पे बना के हम रखते हैं। अच्छा, ये काफी दिन तक चल जाता है ना? जब भी आप अगर इमली की चटनी बनाओ, अगर इसको आपको स्टोर करना है तो तेल थोड़ा ज्यादा रखना। अच्छा, तो खराब ठीक है, ध्यान रखना सब जब भी बनाना। बहुत अच्छी लगती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो इमली से बनाई है ना? इमली, गुड़ और उसका मैंने थोड़ा सा खजूर मिला। अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट है। ये इसका मसाला आपने घर पे बनाया? वैसे आता है रेडीमेड ऐसा कहीं आता है ना? हाँ, तो आपने देखा है ना? हाँ, देखा है। मसाला आता है। हाँ, तो आपने अपने मर्जी से इसको घर पे बना लिया ना? मर्जी से नहीं, सब कुछ इंटरनेट जिंदाबाद। हाँ, जैसे आप हम देखते हो, हम भी देखते हैं कि बनाते हैं। सही है ना, इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा खुद का भी दिमाग होता है, नहीं तो जैसे मैं बनाती हूँ फिर वैसा बन जाता है। फाइनल रिजल्ट टेस्टी होना चाहिए। हाँ, बाकी जो गड़बड़ी होती है वो सिर्फ हमको एज कुक्स पता होती है, किसी को नहीं। टेस्ट अच्छा हो जाना चाहिए ना लास्ट में। और ये चना चाट रेडी हो रहा है। हम लोग फ्राई करके नहीं बनाते इसको, कैसे बॉईल करके ना? इसको सिर्फ बॉईल करके, हाँ, कटा हुआ प्याज टमाटर हरा धनिया, अगर हरी मिर्च डालनी है हरी मिर्च। और मैं पहले सिर्फ चाट मसाला डालती थी, लेकिन फिर अम्मी ने मुझे बताया कि इसमें अगर जीरा मसाला डालेंगे और थोड़ा सा नमक भी डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो जब भी आप किचन में कुकिंग कर रहे हो और कोई बड़ा कोई टिप देता है तो उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि तजुर्बे से ही हर कोई कुछ सीखता है। अब मेरी चाट और भी अच्छी होगी। हाँ, ये चाट वैसे भी आप लोग अगर ट्रेन में खाई होगी, तो आप लोगों ने पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल किया है तो तब बहुत अच्छी खुशबू आती थी। भाभी आपने देखा है कभी ट्रेन में? हाँ, पहले बहुत बहुत मजा आता था खुशबू से ही। तो ये उसी तरह का बनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा जितना हो सके उतना फ्राइड अवॉइड करते हैं। और आज ही मेरे सोसाइटी में सब्जी वाला आया था, मैं फ्रेश धनिया लेके आई हूं और डाल रही हूं। खुशी अलग है, आजकल धनिया और पुदीना मिल जाए तो मतलब क्या सोना मिल गया है। और आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जिससे हर देसी कुक को बहुत ज्यादा प्यार होता है। हां, पता है। ये देखो, रेडी? कहां जा रहे हो? नीचे काम पे। यस, एक्चुअली क्या है कि आप सबको पता है कि जैसे अभी लॉकडाउन है तो हमारी सोसाइटी एक बहुत अच्छा काम कर रही है कि सोसाइटी से किसी को बाहर ना जाना पड़े, तो वो सारा सामान यहीं एक बिल्कुल बहुत ही क्वांटिटी में सब लेके आते हैं और सोसाइटी में स्टॉल लगाते हैं, जिसको लेना है वो ले सकते हैं। तो बस उनको वॉलंटियर्स की जरूरत होती है, तो इस टाइम नमाज के बाद ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि रोजा होने के बावजूद जब इन्होंने देखा कि उनके पास वॉलंटियर्स की कमी है तो ये जाते। लेकिन
हाँ पूरी पूरे प्रिकॉशन के साथ मास्क भी है, अभी ग्लव्स भी पहनूंगा, उसके बाद ही आप बाहर निकलेंगे। यहाँ पे हम लोग गुलगुला बनाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गुलगुला जानते हैं आप लोग? नहीं जानते तो अभी आगे देख लीजिएगा। ये शॉट सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे भाभी मेरी लुक की तारीफ कर रही थी। मिसर की वजह समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा लुक। थैंक यू भाभी, और आप सबका भी थैंक यू। सुना आपने भाभी ने कहा बहुत अच्छी फोटो आई थी, भाभी ने अच्छा कहा, अच्छा है। तो ये भाभी ने अभी क्या किया है, चने की दाल थी उसको उसमें हरा धनिया, पुदीना, जीरा मसाला, लाल मिर्च, नींबू ये सब डाल के कच्चा खाते हैं। ऐसे ही कच्चा। आपके यहाँ क्या बना, क्या बोलते हैं इसको? सबके यहाँ वैसे स्टार में होता ही है ना वो चने की दाल, लेकिन सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। जब बन जाएगी फिर दिखाएंगे कैसी बनती है। बटर है या घी? बटर मेल्ट किया। इतना अच्छा लगता था बटर और ये पाव और ये सब, ऐसा लगता है हमेशा खाते रहो। सुबह शाम यही मिले। मैं सारे रोज यही खा रही हूँ, अब सोची लास्ट 10 days थोड़ा हेल्दी खा लूँ। अब क्या हेल्दी खाना है, लास्ट 10 days को और मजे करो। सही है ना, फिर रमजान चले जाएंगे और फिर सहरी के बिना कभी खाओ ना तो वो मजा नहीं आता। नहीं आता। भाई पूछे ब्रेड कितनी चाहिए। आहा, ऐसे पाव चाय के साथ खाने में कितना मजा आता है। यहाँ पे सनलाइट कितनी सही आ रही थी, मैं तो अब यहीं पे आके सेल्फी लूंगी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि भाई नीचे कहाँ पे शॉप्स लगाए बैठे हुए हैं। ये देखा आपने, नीचे स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ पे वो खड़े हैं भाई। तो भाई असर की नमाज के बाद नीचे जाते हैं, वहाँ पे सबकी हेल्प करते हैं और उसके बाद इफ्तार के टाइम घर आते हैं। ये कैसे से अच्छा कर जाते ना, पहले मुझे पता नहीं था, फिर मैंने आपको देखा तब से जिंदगी आसान हो गई। अच्छा करता है। पहले चाकू से तो वो पूरा हाथ में चिपक जाता था, चॉपिंग बोर्ड पे चिपक जाता है, ये सब से बारीक भी कटता है। हाँ एकदम फिनिशिंग से ना, एकदम क्लियर। नहीं तो वो बहुत ही अजीब था क्योंकि उसके बीच की जो स्टेम क्या होती है वो नहीं कटती है आसानी से। नहीं अच्छा। ये आप कब खाते थे? मैंने तो अभी तक नहीं खाया है, मैंने सुना है यहाँ पे मुंबई में, नहीं ठेलों में देखा है मैंने यहाँ पे। मैं पुणे में बहुत खाती थी। अच्छा। बहुत मतलब तो हम लोग जब मैं स्कूल में थी, अच्छा, तो मैं और दीदी शाम में रोज जाया करते थे क्योंकि हमें चाट खानी होती थी। अच्छा। तो राधिका दीदी का तब ये बहुत फेवरेट था। अच्छा। मेरा इतना नहीं था बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर मैंने भी टेस्ट डेवलप किया। तो तब आप क्या खाते थे जब दीदी ये खाती थी? तो दही पूरी। याद आ गई दही पूरी के। हाँ। कोई नहीं, अभी नेक्स्ट तैयारी में वो ही है। अच्छा, तो ये आप तब खाते थे? हाँ। फिर कॉलेज के यहाँ ये बहुत ही ऐसे फटाफट वाला स्नैक है, हाथ में ले लो और खा। ये सारी चीजें हमने मौधा में या भोपाल में नहीं देखी, ये महाराष्ट्र या मुंबई आके ही पता चला है। तो देखते हैं आज खा के कैसा लगेगा। क्या है ये? अनार। अम्मी ने अनार छील के भेज दिए। ये डिपार्टमेंट अम्मी का है, फ्रूट्स काटना, छील के देना, ये सब अम्मी करती है। अच्छा, इसमें अनार भी डलता है। हर एक चाट की रौनक बढ़ा देता है। यस। और मुझे समझ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शुरू को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अनार मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, उनके अनार मत डालो, फिर टेस्ट नहीं आएगा उनको। तो अभी मैं ये गुलगुले बनाने जा रही हूँ। ये इसको हमने क्या कहते हैं, चीनी, आटा, चीनी, थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा गरम तेल। अच्छा। और पानी थोड़ा घोल। अच्छा।
अभी हम लोग के क्या सारी चीजें हो गई है भाभी? सब हो चुका है, बस दावेली रेडी हो गई है। बस लास्ट में उसको नीचे, जस्ट नीचे ले जाने से पहले फाइनल एक सेकूंगी, जैसे वो ठेले वाले भैया करते हैं। हाँ, उसको क्रिस्पी और ऐसे गर्म बनाने के लिए उसे एक बार सेकेंगे। और अभी यहाँ पे गुलगुले बन रहे हैं और हाँ सेव भी डल जाएंगे। और आपको पता है अभी अभी क्या भाभी बता ही रही थी, बताइए। हाँ, हम बोल ही रहे थे कि हमारे पास सेव नहीं है, और नीचे जैसे शोएब ने आपको बताया कि हमारी सोसाइटी कुछ कुछ लेके आती है, तो नीचे सेव लेके आए हैं। तो आज दावेली एकदम परफेक्ट पूरी हो जाएगी, उसके सारी इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं। दिल से चाहो तो क्या नहीं मिल जाता है, ये बात तो सही है। बस और अभी ये गुलगुले हो जाएंगे, उसके बाद क्या, अभी भाभी शरबत के पीछे देखो तैयारी कर रही है। ये घर की जो दो गुड गर्ल्स हैं उनको दोनों सबसे डाल के शरबत पीती हैं, मैं और अम्मी। और बाकी सब नहीं पीते हैं, तो मैं हम दोनों के गिलास में डाल दूंगी, बाकी में नहीं डाल दूंगी। पूछ निकल जाती है मैं जब बनाती हूँ। इस बार ट्राई करती हूँ कि पूछ ना निकले। अब हमारे सेव आ गए हैं, तो मैं अपनी दाबेली को फाइनल टच दे रही हूँ। अच्छा, तो ये सब करके फिर अब आप नीचे ले आओगे? यस, बच्चों को भेज देती हूँ उनके साथ। आ जाइए, हमारे बच्चों की ड्यूटी लगती है रोज ऊपर नीचे ऊपर नीचे करने की। तो अभी चलते हैं, अब देखते हैं अम्मी क्या कर रही है नीचे। आ गए आप, फेस तो दिखा दो अपने। नहीं, कैसे बनाया? सही तो है। नहीं देखो, किसी पूछ निकली है, आधे जले हैं। थक गए? मजा आया? लोगों की हेल्प करके अच्छा लगता है ना? बिल्कुल, चलो अभी आप थोड़ा रेस्ट करो, 5 मिनट फिर नीचे आ जाओ, अब तक हम नीचे जा रहे हैं, फिर इफ्तार करेंगे साथ। हाँ चलो, तो आप मैं नीचे जा रही हूँ। दिखा दिया तो जिस बार भी वीडियो मेरे हाँ मैंने। अम्मी यहाँ पे फ्रूट्स कट कर रही है, फ्रूट्स कट करने की ड्यूटी अम्मी की होती है, आराम से अम्मी यहाँ बैठ के कट करती हैं। अम्मी बाकी सारी चीज़ें ऊपर हुई, अम्मी आप भी कुछ बोल दो तो सबको क्या कहना चाहोगे? लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। क्या बोले, कुछ भी बोल दो, क्या कर रहे हो अभी आप? अभी तारीख हम ही काटते हैं, काट रहे हैं। और आपको सबको पता तो है कितना मुबारक महीना है ये। हाँ। चांद देखे खुशियाँ शुरू हो जाती हैं। हाँ। और चांद देखे खुशियाँ शुरू हो जाती हैं, उसके साथ में ऐसा अल्लाह ने ये टाइम दिया कि सब एक पूरी फैमिली एक साथ है, परिवार। हाँ। साथ में कर दें तो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह का मुबारक महीना, सबको दुआएं भी दे दो। बस हम सबकी हम सबको दुआ देते हैं, अल्लाह सब अच्छे रहो, सबकी दुखी तमन्ना पूरी हो, सब अच्छे से रहो, सब खुशी रहो, हमें भी दुआ में याद रखें। हाँ ठीक है, अम्मी ने कह दिया कि प्लीज़ हम सबको दुआ में याद रखिएगा। चलिए अभी थोड़ी देर से मिलते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी है और अब हम वेट कर रहे हैं कि भाई और भाभी कब आएंगे। अभी इफ्तार में कुछ देर बची है और भाई भाभी आ गए हैं और शरबत भी लेके आए हैं ऊपर से, और ये दाबेली भी लेके आए हैं। हमारे ड्राइंग रूम की ना कुछ लाइटें फ्यूज़ हो गई हैं और लॉकडाउन की वजह से अभी कोई आ नहीं पा रहा है ठीक करने, इसलिए हमने रिंग लाइट लगाई है ताकि आपके लिए वीडियो अच्छा आए। मेरे बनाए हुए जले हुए गुलगुले दिख रहे हैं आपको?
बस मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अच्छा रखे, अम्मी पापा भाई भाभी रिजा रेहान सारे रिश्तेदार सारे फ्रेंड्स फैमिली और जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह आप सबकी जायज़ मुराद पूरी करे, आप सबको अच्छा रखे और आप भी हम सबको प्लीज़ दुआ में याद रखें। वीडियो बनाते वक्त समझ में नहीं आया ये भाई क्यों मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहे हैं भाभी को, आप लोग डीएम करके पूछो क्या दिमाग में आया था उनके। ये देखो फिर से। और ये भाई के फ्रेंड ने मैसेज करके बताते हैं कि अजान हो गई क्योंकि यहाँ पे अजान की आवाज़ नहीं आ पाती है। अब चलो दाबेली ट्राई करते हैं लाइफ में पहली बार। बहुत ही अच्छी बनी थी। दाबेली फैंस जो होंगे वो समझ सकते हैं कि कैसा टेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है, और जिनको नहीं पता तो वो ज़रूर बनाएं, आपको भी अच्छी लगेगी। ऐसे ऐसे खा लो। कच्ची दाबेली अच्छी ना भारतीय भाई बताएंगे आपके। मैंने भी और पहली बार खाया, बहुत अच्छी लगी, सच्ची भारी थी। पहले कभी खाई नहीं है। हाँ माशाल्लाह। जो भाई ने भाभी की फोटो क्लिक की थी ना, अब वो उनको एडिट करके दिखा रहे हैं इंस्टा पे पोस्ट करने के लिए। तार के बाद ऐसे ही बैठ के हम लोग कुछ देर बातें करते हैं। तो ये तार के बाद भाई अपनी चाय के साथ। और ये था हमारा इफ्तार का रूटीन, जो दिन भर का रूटीन जो आप में से कई लोग देखना चाहते थे, तो आज आप हमारे इफ्तार का एक हिस्सा थे। बताइए कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।